राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद एक बार फिर से मजदूरों ने अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लोग पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। आलम यह है कि राज्य सरकार और नोएडा प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों को घर तक भेजने की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके चलते सुबह से ही मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं जब मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं और अब उन्हें अपने घर पैदल ही जाना पड़ रहा है। कहां से आए हैं? एनटीपीसी कंपनी से आ रहा है और जाना है कानपुर होते हुए झारखंड। तो किस समय से खड़े हुए हैं आप? 9 बजे से खड़े। तो मतलब कोई आपको यातायात नहीं मिल पा रहा है, वाहन नहीं मिल पा रहा है? कोई वाहन नहीं मिल पा रहा है। 8 जाना है और मतलब 11 बजे इसके पहले से ही खड़े हुए। अभी तक कोई बस की व्यवस्था नहीं है यहाँ? बस तो आई लेकिन रुकाई नहीं गई। आप क्या काम करते हैं? मैं चुनाई का काम करते हैं। कहाँ पर? बादलपुर। बादलपुर में जाना कहाँ है? घाट महोबा। महोबा यहाँ किसी तरह की कोई पुलिस प्रशासन आया आपसे बात की? नहीं सर। कोई टेस्टिंग की कराई गई आपकी? वहीं एसडीएम का कहना है कि लगातार हमारी टीम काम कर रही है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। कोविड-19 की चेन को हम हर स्तर पे युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम टेस्टिंग और सैंपलिंग पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है और फोकस टेस्टिंग हो रही है ताकि मरीजों को चिन्हित किया जा सके। उसके साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन की ड्राइव पे भी अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को अधिकतम वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। साथ ही साथ उसके अलावा जो भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं, चाहे वो बेड की हो या ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की हो, उस पर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हम अपने जो भी टीम है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, यहाँ तक कि हम आप मीडिया बंधुओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग इसके इस फाइट में जो है हमारे साथ हैं और हम उनके उज्जवल स्वास्थ्य की और भविष्य की कामना करते हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों को डर है कि दिल्ली में लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही इस बार भी बढ़ सकता है, इसीलिए वो अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। मजदूरों को भरोसा नहीं है कि एक सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको लॉकडाउन के लंबा चलने का डर सता रहा है। ग्रेटर नोएडा से ललित पंडित की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।